इस वीडियो में हम लोग दो सवाल सॉल्व करने वाले हैं। दोनों ही सवाल क्या है कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहला जो है वो है क्या कि 5^(-6)(n+1)(-9)(5)(n-2)(5)(n=(ig)(n)) है, मतलब कि होता है कि इतने की वैल्यू है क्या, हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं 5^(n+3)-6)(5)(n+1)(9)(5)(n-2)(5)(n)। इस पूरे की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब इतने की अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, हम देखते हैं कि ऊपर यहाँ पर 5^(n) दोनों टर्म में यानी दोनों पद में हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इन दोनों में 5^(n) कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा केवल 5^(3)-6, तो ऐसे रहेगा, यहाँ से 5^(n) कॉमन लेंगे तो इंटू केवल बचेगा 5^(1) यानी कि 5 ही बचेगा। ये हो गया। अब नीचे भी 5^(n) कॉमन है दोनों में है, तो 5^(n) यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 9^(-2)(2), ये हो जाएगा 5^(n) ऊपर नीचे कट गया, ऊपर बचेगा 5^(3) यानी कि 125 हो जाएगा। 5^3 है तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, तो ये हो गया 125 -6^5 = 30/ ये होगा 9 - 2 का स्क्वायर लगाए यानी कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 125 से जब 30 घटाएंगे तो बचेगा 95/5 बचेगा, ये 9 में से 5 = 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 × 5 और 5 × 9 = 45, ये पहले सवाल का आंसर हुआ, तो 19 आएगा। अब दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल है कि यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a+b+c/c का मान क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यदि इतना दिया है कि a/b = b/4 = c/7 है तो a+b+c/c का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस वाले का पूरा मान ज्ञात करना है, यानी a+b और c का मान ज्ञात करना है। और जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया है, सोल्यूशन इसका निकालते हैं, तो लिख देते हैं सोल्यूशन, यानी कि जो बात दिया है उसको लिख देते हैं a/3 = b/4 = c/7। ठीक है, और ये इतना दिया है तो हमें ज्ञात क्या करना है कि a+b+c/c = how much यानी कि कितना है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो माना a/3 = b/4 = c/7 = कोई कांस्टेंट हम k मान लेते हैं कि k है। अब यहां से देखें तो इसके बराबर k भी है, तो ये हो जाएगा a/3 = k। दियर इम्प्लाइज क्या होगा कि a/3 = k है, तो ये हो जाएगा a = 3k। और सेम इसी प्रकार b/4 अगर है तो b/4 = a भी k होगा, और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा दियर इम्प्लाइज b = 4k और b = 4k, और फिर इसी प्रकार c/7 भी k इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा c/7 = k दियर इम्प्लाइज c = 7k। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस वाले की, यानी कि a+b+c/7, हमें ये बी और सी तीनों की वैल्यू पता है। ठीक है, तो केवल रख देते हैं, ये हो जाएगा a+b+c/c। ठीक है, तो ये की वैल्यू है यहाँ पर 3k, प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितना है 4k, और प्लस सी की वैल्यू है 7k/ नीचे भी सी है इसलिए 7k, ये भी हो जाएगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा तो 4 × 3 = 7 = 14 k/7k, तो k से k कट जाएगा और 7 × 2 = 14 यानी कि 2, इसका आंसर होगा 2। इस तरीके से दो सवाल हम लोग सॉल्व किए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सीटेट एग्जाम के लिए दोनों ही सवाल सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं।